लखनऊ, मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के खाते। ये शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के काला कांकर बस्ती में। यहाँ पर करीब 150 घरों की आबादी है जो नाले के ऊपर टूटी फूटी मकान में रहती है। आज सुबह हमारे रिपोर्टर साहिल खान इस बस्ती में पहुंचकर यहाँ के लोगों से बात की। दर्द सभी की आंखों से साफ झलक रहे थे। यहाँ के लोगों ने हमारे रिपोर्टर से कहते हुए रोने लगे, साहब हमें बेघर होने से बचा लीजिए, हमें आपसे उम्मीद बहुत है। तमाम मीडिया के लोग आए मगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। आपको बताते चले कि इस बस्ती में प्रशासन और नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया। अवैध रूप से रह रहे मकान को खाली करने के लिए अब इस बस्ती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं, मेरे दर्द को कौन सुनेगा, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं। इस बस्ती के लोगों का कहना है कि हम यहां करीब 40 साल से रह रहे हैं, नाना नानी के जमाने से रह रहे हैं, आज हमें यहां से बेघर किया जा रहा है। हम लोगों का कसूर क्या है? अगर हम यहां से खाली करेंगे तो पहले मकान सरकार हमें दे, तब हम खाली करेंगे। जब हमारे संवाददाता साहिल ने बस्ती के निवासी गंगाराम से बात की तो उन्होंने बताया कि बगल में बनी हुई कॉलोनी के लोग रहने नहीं देते, करीब 40 साल से नाले के ऊपर रहते हैं। हम लोग यहाँ नगर विकास मंत्री लालजी टंडन के द्वारा सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया था, उसके बाद भी हम लोगों को सताया जा रहा है। कॉलोनी वालों का आरोप है कि हम लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को हमारा हक दे दिया जाए फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वहीं पर जब हमने वहाँ की रहने वाली संगीता से बात की तो उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को लेकर रोड पर रहेंगे क्या, हम लोगों को हमारा मकान दिया जाए फिर हम लोग हंसी खुशी के साथ चले जाएंगे। जब लाइव टीवी की टीम को वहाँ के निवासी आजाद ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। उन्होंने हमारे रिपोर्टर साहिल से बात करते हुए कहा कि अब आपके चैनल से हमें उम्मीद है कि हम सभी लोगों का दर्द आप समझेंगे और हम लोगों की बात सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। आजाद का कहना कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी पापा और नाना नानी यहीं पर खत्म हुए थे और हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाकर मेहनत मजदूरी करके हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं और उसी से हमने अपना यह मकान भी तैयार किया था। आज हमें बेघर किया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा या हमें सरकार घर दे दे, हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को फ्री में राशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक नजर इधर भी देखी, करीब 150 घर रोड पर आने को मजबूर हो गए। लाइव टीवी के लिए साहिल खान की रिपोर्ट। हाँ दादी बताओ क्या समस्या है? अरे भैया समस्या यही है कि क्या कहते हैं, झूठ झूठ आरोप लगा रहे हैं कि गार्ड बैठता है उसको मारते हैं, कहीं कुछ चाहते हैं, कह रहे हैं कि 3-3 बजे रात में लड़के आते हैं, तो ये क्या झूठ लगा रहे हैं? क्या कहते हैं ऐसी कौन सी वो इनकी दुश्मनी हो गई है जो हम लोग से निकाल रहे, समझे? गार्ड बैठता है कहते उसको भी मार के भगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं ना, हम लोग 3-3 बजे रात को सालक से आते हैं, मेहनत करके आते हैं, अगर अपने घर नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो इस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, अगर उनको नहीं परेशान करना है तो कहीं हम लोग को ठिकाना दे दें, हम लोग कहीं जाके रहे जाके हैं, बहुत परेशान हो गए, ना लड़के हैं ना आदमी है, दो दो लड़के थे वो भी खत्म हो गए, कहीं सरकार हमको ठिकाना दे दे, हम लोग खुद नाला छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके से कहते हैं गार्ड को मारते हैं, कहीं कुछ आवला करे मेरी लड़की को छेड़ते हैं, तो लड़की को जब छेड़ते हैं तो वीडियो में ये भी तो दिखाएं कि क्या आते हैं कौन लड़का लड़की को छेड़ रहा है, ये भी तो दिखाएं वो कम से कम, कोई प्रूफ नहीं ना, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। इतने दिन से मीडिया आ रही है, हम लोग की तरफ कोई न्यूज नहीं आई कि क्या आते हम लोग गरीबों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ये है कि नाला तोड़ेंगे बस यही कहते हैं बस। बताइए क्या समस्या है आपके, क्या है भैया? समस्या यही है, बहुत ही गरीब आदमी हम लोग, जो किस तरीके से मेरे पहली पाल है, मेरे माँ बाप भी यहीं पे खत्म हो गए, मेरे नानी नाना भी यहीं खत्म हो गए। 1970 से यहाँ पे डेयरी थी भैंसी की, यहाँ से 250-300 मीटर तक उनकी भैंसी डेयरी थी, उन्होंने जब हटे तो हम लोग को इश्तेहार थे उनके, तो उन्होंने हम लोग को फिर घर दे दिया। इस हवेली ने मेरी माँ बाप तो खत्म हो गए, इसको मेरी माँ ने कैसे किस तरीके से बनवाया है, अब 2 मंजिल का बनवा के खड़ा हुआ है, आज की डेट में 10 रूपये ईटा है, हम लोग अगर ये खाली कर देगी सरकार तो किस तरीके से कहाँ जाएं हम लोग, छोटे छोटे बच्चे हम गाड़ी चलाते हैं कहाँ जाते हैं, मेरे पापा मेरे बच्चे फोन करते हैं कि पापा नाला टूट जाएगा पापा, हम लोग क्या करेंगे, अब हम बच्चों का फोन देखें कि अपनी गाड़ी चलाएं क्या करें। यहाँ की औरतें बेचारी किस तरीके से, 150 मकान है 150 पब्लिक है, किस तरीके से बेचारी जा रही, सुबह सुबह जाती, सुबह ही उठती है 8 बजे वो चली जाती न्यूटन बोले, कोई किसी का आदमी सलामत है किसी का आदमी नहीं है, बेटा गिरी करता है वो भी पलटे जाके धुलते हैं, अब सालक नहीं चल रही है तो घर में औरतें बेचारी काम करती है, वो किसी तरीके से अपने बच्चे पाल रही है, 2-4 बच्चे हैं आदमी है, कोई काम धंधा नहीं है तो अपने बच्चे को पाल रही है,
150 मकान है, 150 मकान में हमारी समझ से एक मकान का अगर होगा, किसी का घर होगा नहीं तो किसी के घर नहीं है। जिस तरीके से हमारे बच्चे ये छोटे छोटे परेशान है, तो हम वही तरीके से अपना भी सोच रहे, मेरी माँ ने किस तरीके इसको बनवा के गई है, मेरे माँ बाप खत्म हो गए, नानी नाना खत्म, दो पीढ़ी तो ऐसे ही हम लोग की चली गई। दो पीढ़ी का मतलब कि दो पीढ़ी अगर इनको यही बत्ती करना था तो 2-4-10 साल पहले करते, तो इतना पैसा हम ना लगाते या मेरी माँ ना लगाती। अब इतना पैसा लगाने के बावजूद हम दी मंजिल का ये हवेली देखिए आप, इसको हम बनवाए हैं, अगर ये टूट जाएगी तो सरकार से हम क्या करेंगे। मेहनत मजदूरी अगर करके हमने ये बनाया है तो सरकार से हमारी यही कृपा है कि अगर ये सरकार इसको तोड़ ली तो कहीं दे दे सुन जी, ये कॉलोनी वालों को छुट्टी मिल जाए, अगर हमारी है तो हमको मिल जाए, और हम कहीं ना टूट जाए या टूट जाए नाला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको कॉलोनी दिक्कत हो रही, खाली 2-4 आदमी कॉलोनी दिक्कत हो रही, सरकार को जब दिक्कत, आधा लखनऊ ऐसे ही बसा है, अगर देखा जाए तो आधा लखनऊ है बत्ती में, कोई नाला तो है ही है मगर आधा लखनऊ है, सरकार का तो आधा लखनऊ है। तो जिस तरीके से अगर हमको निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं घर दे दे, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बहुत ही मौजूदा परेशान है। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ पर बगल में कॉलोनी बसी है और वहाँ वाले जो है हम लोगों को हटाना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पर लालजी टंडन के पीरियड मंत्री जो रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट बना करके दे दिया, वहाँ गए थे, आश्वासन दिया कि आप लोग जाकर के रहिए हैं, उसके बावजूद जो है हम लोगों को सताया जा रहा है, रास्ता निकलने में नहीं दिया जा रहा है। वो ये बोलते हैं कि उधर निकलते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं, बहुत बिले भाव, साथ में एक ऐसा शांत हो, साथ में एक अरे आसान, साथ में एक ऐसा भी कांड हुआ है जो कि स्कूटर से कुत्ता बचाने के चक्कर में सामने यहाँ दूध बेचती है। अब उन लोगों का कहना है, ब्लेम लगा रहे हैं कि ये नाला पर वाले जो है मार मार कर उनको कोमा में पहुंचा दिया है, ये सरासर सब झूठी अफवाहें चल रही हैं। अब अगर मतलब हम लोग भी परेशान हैं, हम लोगों को वतन दे दिया जाए, कहीं मकान दे दिया जाए तो हम लोग हंसी खुशी से चले जाएंगे। इधर से कालवेन की दीवार उठी है, इधर मतलब वो इधर भी बंद है, वो अपनी दीवार बना लेना चाहते हैं। हम लोग का यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर से बाहर उड़ेगा, कहाँ जाएंगे सर, जाएंगे यहाँ पर? तो अगर मतलब हो सके तो हमको लोगों को कोई वतन दे दिया जाए, हम लोग मतलब यहाँ से बिल्कुल हंसी खुशी चले जाएंगे। बताइए, देखिए कालाकाकर कॉलोनी में जो मुद्दा गर्म है और यहाँ पर लोग पलायन के इन्होंने मकान बिका हुए लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी कॉलोनी वासियों को इन लोगों से हो रही है, कुछ दिक्कतें होती हैं, गाड़ियां हैं इनकी, उनका कहना है कि शराब पी के लोग बोतलें फेंक देते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ये मैंने कई मीडिया के माध्यम से और उसके माध्यम से सुना मैंने। लेकिन विषय ये है कि अगर ये शासन या प्रशासन ये निर्णय ले रहा है कि इतनी बड़ी आबादी को नोटिस देके इसको तोड़ के इन लोगों को कहाँ ले जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे, इनके रहने की क्या व्यवस्था की गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोविड का समय है, कठिनाई का दौर चल रहा है, तो इस कठिनाई के दौर में इतने परिवारों को एक साथ करना मेरी समझ में तो ठीक नहीं है। और अगर इसके लिए करें तो मैंने यही प्रशासन से डिमांड रखी है कि इनको जो भी घर है, इनको 125 घर की चाबी लेके आए, मैं इनसे आग्रह करूंगा, और इन लोगों ने कहा भी है कि हम स्वेच्छा से ये चीज खाली कर देंगे, कोई नाले पे क्यों रहना चाहता, मजबूरी में रहना चाहता। कॉलोनी वासियों से भी मेरी अभी वार्ता हुई, इसके पहले मैं कॉलोनी वासी से मिलकर आया हूं, उनका कहना है कि हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है और लोग गाली गलौज करते हैं, आज भी उनको दूध लेने जा रहे थे, किसी ने गाली वाली दी है, कोई महिला थी और उनका नाम भी मुझे बताया, मैं उनसे बात भी करूंगा अभी, तो उनका कहना है इनको कहीं और से रास्ता दे दिया जाए, हमें कोई इनसे परहेज नहीं, इनको रास्ता कहीं और से दे दिया जाए तो स्वेच्छा से रहें, तो ये भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। तो इस बारे में भी हम लोग इनसे स्थानीय अपने जो हमारे नाले के निवासी हैं इनसे बात करके और जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इन लोगों को भी
कठिनाई का सामना न करना पड़े, अपने परिवारों के साथ ये लोग ऐसी स्थिति में ना आ जाएं कि ये लोग सड़क पे आ जाएं।